शादी का झांसा देकर देशभर की 100 से अधिक महिलाओं से 25 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने के आरोप में 2 नाइजीरियन विदेशियों समेत कुल 3 आरोपियों को शाहदरा जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय लॉरेंस चिके नालुआ, 34 वर्षीय अयोटुंडे ओकुंडे उर्फ एलेक्स और 29 वर्षीय दिल्ली निवासी दीपक दीक्षित के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 बैंक डेबिट कार्ड, 5 स्वाइप मशीन, 1 लैपटॉप और 1 टैबलेट बरामद किया है। आरोपी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए 35 साल या उससे अधिक की उम्र की महिलाओं को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद आरोपी अपनी कोई न कोई मजबूरी बताकर पीड़िताओं भावनाओं का फायदा उठाकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते थे। बाद में आरोपी अपने नंबर बंद कर लेते थे। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। थाना जगतपुरी निवासी 35 वर्षीय पीड़ित महिला के बयान पर थाना जगतपुरी में FIR संख्या 432/21 IPC की धारा 420/34 के तहत एक मामला दर्ज किया गया। पीड़िता ने बताया कि शादी.com पर उसने अपनी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर प्रोफाइल आईडी SH447127800 से खुद को NRI बताकर मनमीत अचेबीर नामक व्यक्ति ने संपर्क किया। आरोपी ने उसे बातों के जाल में फंसाया और उसका विश्वास जीतने के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। आरोपी पीड़िता से व्हाट्सएप नंबर पुलिस से चैट करने लगा। इसके बाद आरोपी ने उसे व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद आरोपी ने खुद को परेशान बताकर पीड़िता से रुपए मांगना शुरू कर दिया। पीड़िता को जज्बाती कर आरोपी ने धीरे धीरे रुपए ऐंठना शुरू कर दिए। यहां तक पीड़िता ने मुथूट फाइनेंस पर अपने जेवरात रखकर लोन ले लिया और आरोपी को रकम बताए हुए खातों में ट्रांसफर कर दिए। काफी दिनों तक यह सिलसिला चला। आरोपी ने पीड़िता से करीब 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद भी जब वो रुपए मांगने लगा तो पीड़िता को शक हुआ। पीड़िता ने पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP ऑपरेशन मनोज पंत की सुपरविजन व इंस्पेक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में SI राहुल, हेड कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल राजदीप और महिला कांस्टेबल दीपशिखा की एक टीम बनाई गई। इस टीम ने उन सभी बैंक खाता का रिकॉर्ड खंगाला जिसमें ठगी की राशि को जमा किया गया था। बैंक खातों की जानकारी उनके KYC के जरिए पता चला कि आरोपियों ने करीब 30 से 35 खाते देश के अलग अलग राज्यों में खोले हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इन बैंकों में जमा पैसे को दिल्ली के अलग अलग इलाके के ATM से नकदी निकाली गई है। POS स्वैपिंग मशीन से भी लेन देन हुआ है। खाते के विवरण जांचने और कड़ी मेहनत के बाद टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय लॉरेंस चीख नालुओ पुत्र डेविड नालुओ निवासी 43 नंगल देवत वसंत कुंज नई दिल्ली, 34 वर्षीय अयोटुंडे ओकुनाडे उर्फ एलेक्स पुत्र ओकुनाडे निवासी ओ 43 नंगल देवत वसंत कुंज दिल्ली और 29 वर्षीय दीपक दीक्षित पुत्र कृष्णा दीक्षित निवासी HNB 134 गली नंबर 1 अंबेडकर कॉलोनी छतरपुर दिल्ली के तौर पर हुई है। लॉरेंस चीख नालियो और अयोटुंडे ओकुनाडे नाइजीरिया के नागरिक हैं जबकि दीपक भारतीय है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने देशभर की 100 से अधिक महिलाओं से 25 करोड़ रुपए ठगी की बात स्वीकार की है। पुलिस को पता चला कि आरोपी एलेक्स और लॉरेंस ने ठगी के लिए अलग अलग मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बनाई हुई थी। यहां यह लोग खुद को NRI डॉक्टर या इंजीनियर बताते थे। कई बार खुद को बड़ा कारोबारी भी बताया जाता था। यह लोग ज्यादा उम्र वाली उन महिलाओं को निशाना बनाते थे जो या तो विधवा होती थी या फिर उनकी शादी नहीं हुई थी। आसानी से जाल में फंसने के बाद आरोपी कभी विदेश से महंगे तोहफे भेजने के नाम पर तो कभी कोई न कोई मजबूरी बताकर पीड़िताओं के जज्बातों का फायदा उठाते थे। महिलाएं आसानी से जाल में फंसकर इनको रकम दे देती थी। ठगी की ज्यादातर रकम आरोपी नाइजीरिया भेज दिया करते थे। आरोपियों ने फर्जी परतों के आधार पर उत्तर पूर्वी राज्यों, दक्षिण भारतीय राज्य के बैंकों में अपने खाते खुलवाए हुए थे। इन खातों में रकम ट्रांसफर करवाई जाती थी। बदले में दोनों को 10% कमीशन देना होता था। दीपक दोनों नाइजीरियन नागरिकों को बैंक खाते और स्वाइप मशीन उपलब्ध करवाता था। पुलिस पकड़े गए 3 आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।